उसका लाइव टेलीकास्ट होगा और हमने सारे थाने को में LED लगाने का सिस्टम किया है। उसमें गांव में जब जाएंगे तो गांव के जो अच्छे लोग हैं नौजवान को व्हाट्सएप से जोड़ना है, ये भी बताया गया कि ताकि आप हमको खबर दे सकें। उसके अलावा है कि मैंने जीविका नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। बिहार में बिहार पुलिस दिवस अवसर मनाया जा रहा है, जिसको लेकर DGP राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि बिहार पुलिस इस बार कुछ अलग करेगी बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर, और गांव-गांव टोला-टोला जाकर पुलिस जन जन तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करेगी। लोग पुलिस के पास आने से किसी प्रकार की कोई संकोच करने का काम करते हैं, जिसको लेकर अब लोग पुलिस के पास नहीं, पुलिस लोगों के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को समाधान करने का काम करेंगे, जिसको लेकर बिहार के सभी जिले के SP को ये निर्देशित किए गए हैं कि बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर अपने अपने जिले में बेहतर से बेहतर कार्य करने का काम करें और मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से लोगों तक, गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, शहर-शहर तक, घर-घर तक जाकर डोर टू डोर पहुंचने का प्रयास करें और लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करें, ताकि लोग पुलिस को किसी प्रकार से कोई दूसरे भावना से ना देखें और बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के पास पहुंचने में लोगों को सहयोग करें। अरवल SP मोहम्मद कासिम और SDPO राजीव रंजन के द्वारा अरवल पुलिस लाइन में सैकड़ों मोटरसाइकिल को जन जन तक पहुँचने को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और लोगों से अपील किया गया है कि पुलिस से बेझिझक बात करने का काम करें और किसी भी समस्या हो तो तुरंत पुलिस का सहयोग लें। सुनिए अरवल SP मोहम्मद कासिम ने क्या कुछ बताया इस संदर्भ में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा पुलिस बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर 20 से 25 5 दिन तक हर थाना के 5 लोग, मतलब 3 मोटरसाइकिल पर एक ऑफिसर कम से कम और 1 से 2 ऑफिसर, बाकी सब कॉन्स्टेबल, ये हम लोगों ने रूट बनवा लिया है। ये गांव के हर वार्ड में जाएंगे, गांव में, और एक पंपलेट मुख्यालय से आया है, पंपलेट पर सारी बातें लिखी हुई है। ये कहीं स्कूल या किसी पंचायत भवन के सामने साट देंगे, कुछ इसमें सारी बातें लिखी हुई, जैसे पहला है कि अफवाहों से बचें, किसी भी सूचना अथवा आम जन से ये अपील है, हम लोगों का पुलिस वाले का ये आम जन से अपील है कि अफवाहों से बचे, किसी भी सूचना अथवा घटना को भली भांति जांचने परखने के बाद ही उन पर विश्वास करें तथा फॉरवर्ड या शेयर करें। दूसरा है कि आधिकारिक सूचना प्राप्त करने और सुझाव देने के लिए हमारे फेसबुक, ट्विटर हैंडल है ना, इंस्टाग्राम आदि से जुड़े। तीसरा है कि मद्यपान या किसी प्रकार की नशा से बचें, नशा सेहत, परिवार तथा समाज के लिए नुकसानदायक है, यह दंडनीय अपराध है। अगला है कि भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने, किसी भी प्रदर्शन या रैली के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। जन जन की ओर बढ़ते कदम, इसमें भी हम लोग का है कि बिहार पुलिस दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष हम जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली द्वारा 20 से 26 फरवरी 2023 के बीच राज्य के प्रत्येक गाँव एवं वार्ड में पहुँचकर आपसे संपर्क करेंगे। दूसरा कि आपसे अनुरोध है कि इस मुहिम से जुड़कर अपनी समस्याएं बताएं और अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें दें, जिससे हम आपकी और बेहतर सेवा कर सकें। इसी कड़ी में 27 फरवरी 2023 को राज्य के पुलिसकर्मी जन सेवा में रक्तदान मुहिम के तहत स्वेच्छापूर्वक रक्तदान करेंगे। संपर्क सूत्र हमारा क्या है, आपातकालीन नंबर 112 एवं ईमेल police.helpline.bihar@gov.in, मद निषेध हेल्पलाइन नंबर 15545, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in, बिहार पुलिस हमसे जुड़े फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, अरवल पुलिस हमसे जुड़े, अरवल पुलिस का रिक्वेस्ट है कि हमसे जुड़े फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से। बिहार पुलिस दिवस 2023 जन जन की ओर बढ़ते कदम, सुबह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस, यानी सोमवार से शनिचर तक
थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारी आम जन की शिकायत निराकरण के लिए उपलब्ध रहेंगे। 24 घंटा कार्यरत सेवा डायल 112 पर आपराधिक घटना, दुर्घटना, आगजनी, मेडिकल इमरजेंसी आदि से संबंधित शिकायत दर्ज कर राज्य भर में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगला, अपनी शिकायत हमें ईमेल policehelpline.bihar@gov.in पर भी भेज सकते हैं। महिला निसंकोच थाना में पहुंचकर महिला हेल्प डेस्क से सहायता प्राप्त कर सकती है। हमारे यहाँ महिला डेस्क का प्रोविजन किया गया है थाने में, जहाँ एक अफसर और दो महिला रहेंगे। ये अलग महिला की समस्या सुनेंगी, फिर थाने में जो मामला हुआ किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को राज्य के सभी थानों में भूमि विवाद से संबंधित शिकायत निपटारे के लिए थानाध्यक्ष तथा अंचलाधिकारी मिलकर बैठक करते हैं, जहाँ आप अपनी शिकायत तक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे, बिहार में मद्यपान निषेध है तथा पूर्ण नशाबंदी लागू है, इसकी सूचना 1554-5 पर हमें दें, यानी 15545 हमें दें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। साइबर अपराध जैसे मोबाइल फोन से ठगी, ATM फ्रॉड आदि की शिकायत हेल्प नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर दर्ज कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिकी की प्रति थाना से एवं बिहार पुलिस की वेबसाइट bihar.police.bihar.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। गांव में जो लोग जाएंगे, हमारे 5 व्यक्ति जाएंगे 3 मोटरसाइकिल से, तो वो जाएंगे हर गांव में, उनको टच करना है। पूरे 46,000 पूरे बिहार में गांव है और सारे जिला को ये आदेश है कि 46,000 गांव टच हो जाए। उसी तरह अरवल जिला में जितने गांव हैं, करीब करीब 650-700 के आसपास गांव है, नगर परिषद सब मिला के 700 के आसपास है। फिर तो सारे गांव को टच करना है, उसके आज से प्रारंभ कर रहे हैं, देख लेंगे तो और बढ़ाएंगे। 22 तक जो मैट्रिक की परीक्षा खत्म हो जाएगी तो मोटरसाइकिल का और अफसर की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि सबकी ड्यूटी लगी हुई है ना, इसलिए आज कम निकाले हैं, मुझे फिर भी आज 5 को निकालना है। आज भी यहाँ जो लोग आए थे वो एक एक मोटरसाइकिल थाना से मांगे थे, बाद में ये जब तक अपने थाना जाएंगे तो वहाँ से 3 मोटरसाइकिल से लोग निकलेंगे, और वहाँ जाने के बाद गांव में लोगों को ये पढ़ के भी सुनाएंगे और उनकी समस्या को नोट करेंगे और शाम में कंपाइल करके मुख्यालय हम भेजेंगे, और फिर हम लोग भी जो समस्या मेरे स्तर से निदान का होगा उसको निदान करेंगे। और ये सदर हॉस्पिटल ने का कहना है कि अन्य जगहों पर हम नहीं कर सकते, मेरे पास डॉक्टर की कमी है, इसलिए सदर में ही सारे पुलिसकर्मी का होगा जो लोग स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे। काम हम लोग की बहुत अधिक नहीं, उसमें गांव में जब जाएंगे तो गांव के जो अच्छे लोग हैं, नौजवान को व्हाट्सएप से जोड़ना है, ये भी बताया गया कि ताकि आप हमको खबर दे सकें। उसके अलावा है कि मैंने जीविका दीदी को भी, कल हमारी बैठक हुई थी उसमें जिला की कोऑर्डिनेटर प्रियंका जी भी आई थी, और उनसे भी उनको भी मैंने पंपलेट दिया है। 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे वहाँ पटना में, और कुछ बातें बताएंगे, तो उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। और हमने सारे थाने को में LED लगाने का सिस्टम किया है, और LED के माध्यम से करीब करीब 150-200 लोग जो भी उस परिसर में, थाना परिसर में बैठ पाएंगे, सब सुनेंगे।